After six farmers were killed in police firing in Mandsaur in Madhya Pradesh, farmers from across the country will gather to pay homage to the deceased farmers. The farmers, in fact, are planning to hold a peaceful agitation in Mandsaur today. Congress President Rahul Gandhi will also pay a visit to the farmers on the location. बस हम तो यही चाहते हैं कि हमारे शहीद बेटे को इंसाफ मिले और जिस किसी ने भी छह शहीदों को गोली मारी है उन हत्यारों को गिरफ्तार करे और उन्हें सख्त से सख्त सजा दे। कल राहुल जी को क्या-क्या कहना चाहते हैं? जो पूछेंगे उनका जवाब देंगे। मिला ना, मिला परमिशन जाएंगे ना। वो तो पहले 6/6/2017 को भी शहीद परिवार से मिलने आना चाहते थे, पर वो लिम्बाड़ा से नए गांव तक आए, उनके बाद में उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो हम चाहते हैं कि वो दिल से आना चाहते तो हम भी मिलना चाहते। हम लोग में से कोई मेरा सरकार सुनती थोड़ी है, नहीं सुन रही सरकार। प्रॉपर आपको प्राइस मिल रहा है, रेट मिल रहा है चीज़ों का अभी तक? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अभी क्या रेट चल रहा है चीज़ों का जो आपके बिक रही है, और कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है कुछ? अभी लहसुन का बाजार चल रहा है 300-400-500 रुपये अधिकतम, गेहूँ का 1700-1800, चना 3000-3200, मसूर 3000, मेथी 3000, बस ये भाव चल रहा है। थोड़ा भावांतर में जरूर फर्क पड़ा है, बाकी और कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक तो, और बस यही, इसलिए फिर से आंदोलन चल रहा है। पर आंदोलन भी सब्जियां वगैरह भी जा रही है, किसान रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को। बस अभी तक मतलब साल भर हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ ज़्यादा, नहीं बस भावांतर का ही थोड़ा बहुत हुआ है। पिपलिया मंडी किसान आंदोलन में किसानों के साथ वहाँ खड़ा खड़ा देख रहा था, किसानों को गोली लगी, उसमें एक अभिषेक भी था, गोली लगने से उसके भी मृत्यु हो गई। सरकार ने भावांतर चलाई, सरकार ने भी काफ़ी प्रयास किया किसानों की माली हालत सुधरी, तो वास्तविकता में देखा जाए माली हालत नहीं सुधरी, किसानों की हालत और ज़्यादा खराब हो चुकी है। गोली चलाई, किसी ने आदेश तो दिया होगा, तो इसका मतलब इसमें शासन जिम्मेदार है। The stage has been set and the carpets have been rolled out for one of the biggest rallies here in the Mandsaur district of Madhya Pradesh. Rahul Gandhi will address a farmers rally here and the Congress party expects at least 2.5 lakh farmers to be present here. The rally will take place on the same day which witnessed sporadic violence last year. In those violence cases, at least 6 farmers lost their lives. The Congress plans to commemorate the martyrdom of those farmers. At the same time, the Congress party will also put forward various demands like a better MSP and loan waivers for the farmers.